नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है टिकी टीवी के इस नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो आइए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं सिर्फ आपसे बात करने वाला हूँ लैपटॉप और डेस्कटॉप के बारे में। लैपटॉप और डेस्कटॉप के बारे में कुछ कंपेरिजन करेंगे हम लोग, कुछ डिफरेंसेस के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। और सिंपली अगर आप सोच रहे हो लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप लेने के बारे में, अगर आप कंफ्यूज हो कि इन दोनों में से कौन सा आपके लिए परफेक्ट है, तो ये वीडियो देखने के बाद मुझे उम्मीद है आपका सारा जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा और बाकी सब पॉइंट्स भी आपके दिमाग में रहेगा जो एक नॉर्मल लैपटॉप और डेस्कटॉप खरीदने के वक्त हर एक इंसान के दिमाग में रहना चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुधीर भट्टाचार्य, आप देख रहे हो टेक टीवी। तो आइए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले डिफरेंस के बारे में बात करते हैं जो कि है कॉस्ट। अब दोस्तों लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप आप जो भी खरीदोगे आपको पैसे तो चुकाने ही पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे पैसों का बहुत बड़ा भेदभाव है लैपटॉप और डेस्कटॉप के मामले में। देखो डेस्कटॉप अगर आप बिल्ड करते हो तो वो बेसिकली असेंबली डेस्कटॉप होगा। अब असेंबली किसे कहते हैं, असेंबली सपोज आप एक मॉनिटर ले रहे हो किसी कंपनी का, सपोज एलजी का मॉनिटर आपने ले लिया, कैबिनेट ले लिया आपने कुछ आईबॉल का, उसके बाद आपने जो माउस या कीबोर्ड है वो कुछ लॉजिटेक का ले लिया। तो बहुत सारे कंपनीज की प्रोडक्ट को, अलग अलग प्रोडक्ट को खरीद के प्राइस के अनुसार ऑब्वियसली उन्हें मार्च करके आप एक डेस्कटॉप जब बनाते हो तो उसे हम लोग कहते हैं असेंबल्ड डेस्कटॉप या फिर असेंबल्ड कंप्यूटर। हम यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं कि बहुत यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन जो सबसे कम दाम में हमें देखने को मिल जाता है वो खरीद के हम लोग बेसिकली असेंबली डेस्कटॉप क्रिएट कर सकते हैं या फिर बिल्ड कर सकते हैं। उससे होता क्या है, उससे होता है बेसिकली हमारा जो कॉस्ट होता है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। इसलिए ही 20,000 या फिर आप कह सकते हो 15,000 से 25,000 में ही अच्छा सा डेस्कटॉप हो जाता है। तो बेसिकली जो कुछ चीजें हमें चाहिए होती है वो हम डेस्कटॉप में ऐड करते हैं और जो नहीं चाहिए होती है वो नहीं करते। जैसे कि सपोज एक बिजनेसमैन है, उसे शायद वेबकैम की जरूरत नहीं पड़ती, तो वो चाहे तो उस वेबकैम को नहीं खरीद सकता, नहीं खरीदेगा तो डेस्कटॉप में वो उसे फिट नहीं करेगा। तो इससे होगा क्या, जो वेबकैम का खर्चा था वो बच गया। तो इससे क्या हुआ, डेस्कटॉप का जो कॉस्ट था ओवरऑल वो बहुत कम हो गया। तो इसी तरह से अगर हम लोग बात करें लैपटॉप के बारे में, तो लैपटॉप में हम कॉस्ट एक पैसा भी नहीं घटा सकते। क्यों नहीं घटा सकते, क्योंकि ये बेसिकली ब्रांड की तरफ से प्री इंस्टॉल या फिर बिल्कुल असेंबल करके तैयार करके हमें ब्रांड दे देता है। अब ब्रांड क्या करता है, ब्रांड ये नहीं सोचता कि कैसे कॉस्ट घटाया जाए, ब्रांड हमेशा ये सोचता है कि जो लैपटॉप है उसमें आपको हर तरीके के फीचर्स या फिर हर तरीके का जो एडवांटेज है वो दिया जा सके। तो इसके लिए वो वेबकैम या फिर आप कह सकते हो ग्राफिक्स कार्ड, इंटेल का प्रोसेसर, सब कुछ ऐड करके आपको एक पैकेज दे देता है। तो उसका जो कॉस्ट है अपने आप से ही बढ़ जाता है दोस्तों। तो जो वो कॉस्ट बढ़ जाता है तो उसी के लिए आप उस कॉस्ट को घटा नहीं सकते। आपको भी वो सेम जो रुपी है या फिर वो जो सेम पैसे हैं वो ब्रांड को देना पड़ता है उस लैपटॉप को खरीदने के लिए। तो यहाँ पे पहला डिफरेंस क्या हो गया, बेसिकली हम डेस्कटॉप में जो कॉस्ट है वो घटा सकते हैं, अपने हिसाब से बेसिकली डेस्कटॉप को क्रिएट कर सकते हैं कम दाम में, लेकिन हम लोग लैपटॉप को अपने हिसाब से कॉस्ट को, जो लैपटॉप का कॉस्ट है बेसिकली, उसे घटा नहीं सकते या फिर लैपटॉप को अपने हिसाब से असेंबल नहीं कर सकते। दोस्तों अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 के बारे में जो कि है पोर्टेबिलिटी। दोस्तों बेसिकली लैपटॉप बना है पोर्टेबल होने के लिए, जो डेस्कटॉप सबसे पहले बना था तो डेस्कटॉप में प्रॉब्लम ये थी कि आप अपने घर पे डेस्कटॉप रख सकते थे या अपने ऑफिस में डेस्कटॉप रख सकते थे, आप उसे कहीं भी ले जा नहीं सकते थे डेस्कटॉप को। ट्रैवल करते वक्त अगर आपको कोई काम आ गया तो फिर आप वो नहीं कर सकते थे जब तक कि आप घर पहुंचो या फिर ऑफिस पहुंचो। तो इसी के लिए लैपटॉप का आविष्कार हुआ। बेसिकली लैपटॉप को छोटा कंप्यूटर भी कहा जाता है, जहां लैपटॉप को आप बेसिकली ट्रैवल करते वक्त कहीं भी पोर्टेबल तरीके से ले जा सकते हो और मतलब बैटरी के ऊपर चलता है, तो आप कहीं पर भी लैपटॉप में काम कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आती। तो ये प्रॉब्लम जो है डेस्कटॉप के साथ में है। बेसिकली दोस्तों अगर आप एक ट्रैवल करते करते आप बेसिकली काम करते हो या फिर आप थोड़े बिजी इंसान हो, आप कोई राइटर हो जो जिसे हर जगह जाके अपनी कहानी पे काम करना पड़ता है, या फिर आप कह सकते हो कि एक जगह में आपका काम नहीं बनता, आपको ट्रैवल करते वक्त किसी सिस्टम की ज़रूरत है जिससे आप अपना काम कर सको, कंटिन्यू कर सको, तो उस मामले में जो लैपटॉप है वो एक अपॉर्चुनिटी में है। अगर आप ऐसे इंसान हो तो फिर आपको ज़रूर एक लैपटॉप ही खरीदना चाहिए। और डेस्कटॉप की अगर बात करें तो फिर डेस्कटॉप एक जगह पे ही रहता है, उसे मूव नहीं कर सकते, उसे कंधे पे उठाकर असेंबली नहीं ले जा सकते आप लोग। तो इसलिए डेस्कटॉप बेसिकली उन लोगों के लिए जो ज़्यादा ट्रैवल करते तो है लेकिन ट्रैवलिंग में वो किसी सिस्टम को यूज़ नहीं करते उतना, एक लैपटॉप को, लैपटॉप के ऊपर काम वाम नहीं करते उतना,
जो काम करते हैं घर में या फिर ऑफिस में ही करते हैं, तो उनके लिए डेस्कटॉप बेटर ऑप्शन, और जो गेमिंग करते हैं बेसिकली उनके लिए तो डेस्कटॉप बेटर है। मैं रिकमेंड करता हूँ यहाँ पे लैपटॉप ज़्यादा, मैं रिकमेंड नहीं करता गेमिंग के मामले में। मिड रेंज लैपटॉप तो बिल्कुल नहीं, अगर आप गेमिंग लैपटॉप ढूंढ रहे हो तो उस लेवल में जाके ढूंढो, 80,000 के ऊपर का कोई लैपटॉप तो आपको गेमिंग के लिए बहुत अच्छा मिल ही जाएगा। तो सब बात करते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में। थर्ड पॉइंट बेसिकली है प्रोसेसर के बारे में। तो जैसा मैंने पहले पॉइंट में बताया था कि जो गेमिंग के लिए डेस्कटॉप बेस्ट है और लैपटॉप थोड़ा सा लैग करता है, तो ठीक वैसे ही जो कंप्यूटर के लिए प्रोसेसर आते हैं दोस्तों, उन्हें हम लोग रिटेल प्रोसेसर यूनिट कहते हैं, और लैपटॉप के लिए जो प्रोसेसर आते हैं बेसिकली उन्हें हम कहते हैं OEM। तो OEM प्रोसेसर के साथ में पंगा क्या होता है दोस्तों, बेसिकली OEM प्रोसेसर ऐसे बिल्ड करता है कंपनी, या फिर सपोज इंटेल दो तरीके के प्रोसेसर बनाता है, एक होता है रिटेल और दूसरा है OEM। तो OEM और रिटेल प्रोसेसर इस तरह से तैयार होता है ताकि वो आपको एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सके, उसका जो बेसिकली ड्यूरेबिलिटी है वो बहुत दिन तक चल सके, हेवी से हेवी गेमिंग करने पर भी लैग करेगा लेकिन अपने आप से ही वो ठीक हो जाएगा। तो इसी तरह से उन्हें प्रोग्राम किया जाता है दोस्तों, इसी तरह से उन्हें बनाया जाता है बेसिकली, प्रोग्राम किया जाता है, क्या कह रहा हूँ मैं। तो OEM के बारे में अगर मैं बात करूँ तो OEM ठीक उस तरह से प्रोग्राम या फिर तैयार नहीं होता। OEM तैयार होता है एफिशिएंसी के लिए, मतलब लैपटॉप तो बैटरी पे चलता है, जैसे कि आपका स्मार्टफोन का प्रोसेसर होता है बेसिकली, तो उसे ऐसी तरह से बनाया जाता है कि वो हर तरह का ख्याल रखे, मतलब बैटरी को ज़्यादा ड्रेन ना होने दे, उसके ऊपर फोन को ज़्यादा गर्म ना होने दे। ठीक उसी तरह से OEM प्रोसेसर इसी तरह से तैयार होते हैं कि लैपटॉप को ज़्यादा गर्म ना करे, उसके ऊपर से एक एफिशियंट तरीके से बैटरी को सेव करते हुए आपका जो डे टू डे यूजेज है या फिर डे टू डे जो काम होता है उसे ठीक तरह से आगे बढ़ाता रहे। तो इसीलिए हम लोग OEM प्रोसेसर्स को ज्यादा रिकमेंड नहीं करते। अगर आप एक हेवी गेमर हो दोस्तों तो फिर जरूर से जरूर आप एक डेस्कटॉप लो और उसके ऊपर एक अच्छा प्रोसेसर ले लो, i5 या फिर i7, तो फिर आपको एक अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। ले तो अगर बात करते हो अगर आप मुझसे कुछ लैपटॉप के बारे में, तो फिर लैपटॉप एक प्राइस रेंज में ठीक है, मतलब मिड रेंज प्राइस रेंज जो कि 35,000 या फिर 25,000 से शुरू होता है, वो लैपटॉप्स गेमिंग के लिए नहीं बने, वो लैपटॉप्स बेसिकली बने हैं काम के लिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड इस तरीके से काम के लिए वो बने हैं। और बेसिकली अगर मैं बात करूँ 80,000 के ऊपर के लैपटॉप्स के बारे में, तो वो गेमिंग लैपटॉप्स है, तो अगर आप उन्हें खरीदते हो तो फिर आपको अच्छा वैल्यू मिल जाएगा। लेकिन उतना अगर आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो फिर एक डेस्कटॉप ले लो, जो 35,000 या फिर 40,000 में आप लैपटॉप खरीदोगे उसमें आपको एक बहुत अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस डेस्कटॉप में देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं चौथे पॉइंट के बारे में या फिर चौथे डिफरेंस के बारे में, जो कि है बेसिकली असेंबलिंग। अब असेंबलिंग के बारे में मैंने आपको पहले ही समझाया है, असेंबलिंग मतलब क्या होता है, बहुत सारे ब्रांड्स के प्रोडक्ट को अलग अलग करके हम लोग खरीदते हैं और उन्हें जोड़ के एक डेस्कटॉप बना देते हैं, इसे कहते हैं असेंबलिंग। अब ये हम लोग कंप्यूटर में डेस्कटॉप में कर सकते हैं या फिर एक कंप्यूटर में कर सकते हैं, लेकिन लैपटॉप के मामले में हम असेंबलिंग नहीं कर सकते क्योंकि वो ब्रांड से तैयार होकर आता है। तो सिंपली असेंबलिंग एक तरीके से ठीक है, लेकिन दूसरे तरीके से एक तरीके से ठीक है, मतलब ये कॉस्ट को घटा देता है, लेकिन दूसरी तरीके से ये एक हेडेक भी बन जाता है दोस्तों। हेडेक क्यों बनता है, हेडेक इसलिए बनता है अगर आप असेंबलिंग नहीं जानते तो फिर आपको वो प्रोडक्ट या फिर कंपोनेंट्स खरीदने के बाद असेंबली जो जानता है जो बंदा उसके पास आपको जाना पड़ता है और वो कंप्यूटर आपको असेंबल करके देता है। तो ऐसे ये तो एक तरीके से प्रॉब्लम भी है, ये तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि सिंपली फायदा भी है कॉस्ट की तरफ से अगर मैं बात करूँ डेस्कटॉप के मामले में। लेकिन अगर मैं लैपटॉप के मामले में बात करता हूँ तो फिर ये हमारे पास एक फायदे के रूप में आता है और एक नुकसान के रूप में भी आता है। ये कॉस्ट को तो नहीं घटाता बल्कि बढ़ा देता है, लेकिन फायदे के रूप में ये इसलिए आता है कि ये बिल्कुल असेंबली होके आता है ब्रांड की तरफ से, तो हमें कोई टेंशन नहीं रहता कि इसे असेंबल करना है या फिर करवाना है। और दूसरी तरफ से अगर मैं नुकसान की बात करूँ तो फिर ये जो कॉस्ट है उसे बहुत ज्यादा बढ़ा देता है या फिर कॉस्ट को घटाने का कोई भी मौका हमें नहीं देता। अब दोस्तों बात करते हैं पांचवें डिफरेंस के बारे में, जो कि है कीबोर्ड को लेके। अब कीबोर्ड एक कंपोनेंट है, कीबोर्ड एक डेस्कटॉप का कंपोनेंट है, लैपटॉप का भी कंपोनेंट है, लेकिन कीबोर्ड बेसिकली दोस्तों अगर कुछ टाइम बाद खराब हो जाता है तो आप सिंपली उसे रिप्लेस कर सकते हो। अगर लैपटॉप के मामले में कर सकते हो और डेस्कटॉप के मामले में भी कर सकते हो, लेकिन डेस्कटॉप के मामले में ये थोड़ा इजी होता है। आप दुकान में गए, एक नया कीबोर्ड खरीदा, उसे लाके पुराने वाले को खोल के फेंक के और नए वाले को आप यूज कर सकते हो सिंपली। लेकिन यहाँ पे डेस्कटॉप में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन लैपटॉप में ये थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला बात हो जाता है, क्योंकि अगर लैपटॉप में कीबोर्ड खराब हो गया तो फिर आपको बिल्कुल ब्रांड के पास जाना पड़ेगा और उसे कन्विंस करना पड़ेगा और उसके बाद वो कीबोर्ड आपको ठीक करके देंगे। तो ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाता है लैपटॉप में, और डेस्कटॉप में ये
बहुत आसानी से हो जाता है दोस्तों। दोस्तों बात करते हैं छठे डिफरेंस के बारे में, जो कि है स्क्रीन साइज को लेके। देखो सपोज आप अगर एक डेस्कटॉप खरीदते हो तो उसमें आप लिमिटेशन सेट कर सकते हो अपने स्क्रीन की, डिस्प्ले स्क्रीन की बेसिकली। तो वो आप कितना भी लंबा कितना भी चौड़ा ले सकते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो बिल्कुल आपके डेस्कटॉप के साथ मैच कर जाएगा। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं लैपटॉप के बारे में, तो लैपटॉप के मामले में वहाँ पे कॉस्ट बढ़ जाती है। अगर आप एक बड़े स्क्रीन वाला लैपटॉप लेना चाहते हो उसमें आपको कॉस्ट बहुत ज्यादा देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास सपोज 35,000 है तो उसमें आपको जो ब्रांड दे रहा है वही उसी से सेटिस्फाई होना पड़ेगा, आपके पास कोई अदर वे नहीं होता लैपटॉप में। लेकिन जो डेस्कटॉप है उसे वहाँ पे आप बेसिकली 35,000 के रेंज में बहुत अच्छा और बड़ा एक डिस्प्ले अफोर्ड कर सकते हो दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं हार्डवेयर के अपग्रेड के बारे में। तो डेस्कटॉप के मामले में अगर मैं बात करूं, डेस्कटॉप के मामले में अगर आप हार्डवेयर को अपग्रेड करना चाहो, सपोज आप यूज कर रहे हो i3 प्रोसेसर बहुत सालों से, अभी आप i7 में शिफ्ट करना चाहते हो, तो फिर आप सिंपली वो i7 जो है असेंबलर के पास जाके उस i3 को निकाल के i7 खरीद के सिंपली इंसर्ट कर सकते हो और वो परफेक्ट मक्खन काम करेगा। और साथ में कुछ रैम वैम का चेंज भी करवाना पड़ेगा तो ठीक हो जाएगा अल्टीमेटली। लेकिन अगर हम लोग बात करें लैपटॉप के बारे में, तो लैपटॉप ब्रांड हमें इस तरह से बना के देता है कि हम लोग उसे चेंज आसानी से नहीं कर सकते। तो अगर हमें लैपटॉप में कोई कंपोनेंट या फिर हार्डवेयर चेंज करना है तो फिर हमें ब्रांड के पास जाना पड़ेगा, उसके बाद कुछ फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, और उसके बाद ब्रांड अगर मानता है, अगर हमारा जो डिवाइस है वो कैपेबल है, तो फिर ही हम अपग्रेड कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। अब दोस्तों बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में, जो कि है गेमिंग के ऊपर। अब गेमिंग में लैपटॉप और डेस्कटॉप सिमिलर है, दोनों ही ठीक ठाक है। लेकिन मैं आपको एक रिकमेंडेशन देता हूँ सिंपली, अगर आप एक डेस्कटॉप खरीदते हो तो उस पर आप हैवी गेमिंग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, कुछ कुछ मामलों में आ जाता है, GTA 5 जैसा गेम अगर आप खेलोगे तो फिर तो लैग करेगा ही। लेकिन नॉर्मल से नॉर्मल गेम जैसे कि WWE 2K16 हो गया, ऐसे गेम अगर खेलोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन ऐसे ही गेम अगर आप एक 35 या फिर 30,000 के बजट के लैपटॉप में खेलते हो तो आपका लैपटॉप क्रैश हो सकता है, या फिर आपके लैपटॉप का जो ड्यूरेबिलिटी है वो बहुत कम हो जा सकता है दोस्तों। तो इस मामले में अगर मैं बात करूँ मिड रेंज डेस्कटॉप के बारे में, तो 30,000 का डेस्कटॉप गेमिंग के मामले में बीस्ट होने वाला है, होता भी है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है ये। और 30,000 के बीच में जो लैपटॉप्स आते हैं बेसिकली दोस्तों, वो गेमिंग के लिए बिल्कुल नहीं बनते हैं, वो बेसिकली बनते हैं कुछ डॉक्यूमेंट्री काम के लिए, या फिर कुछ आपका ऑफिस का काम जो होता है वो संभालने में, डे टू डे यूजेज के लिए वो लैपटॉप्स बेसिकली तैयार होते हैं। अगर बात करें गेमिंग लैपटॉप्स के बारे में, तो फिर वो 80,000 के ऊपर तक जो लैपटॉप्स आते हैं दोस्तों, उनमें अगर आप गेमिंग करते हो, हैवी गेमिंग करते हो, GTA 5 खेलते हो, तो फिर वो अच्छी तरह से चला देगा। लेकिन अगर आप 30,000 to 45,000 के बीच में कोई लैपटॉप आपने खरीदा है और उसमें आप हैवी गेमिंग कर रहे हो, तो फिर आपका लैपटॉप तो जाने वाला है काम से, ये आप समझ लो। और दोस्तों बात करते हैं सबसे आखिरी पॉइंट के बारे में, जो कि है रिपेयरिंग। रिपेयरिंग मतलब क्या है? रिपेयरिंग मतलब डेस्कटॉप और लैपटॉप में, जैसा कि मैंने आपको कहा कि असेंबली, तो असेंबली के मामले में सपोज हमारा डेस्कटॉप जो खराब हो जाता है बीच बीच में, कोई जगह खराब हो गया, तो फिर हम उसे बेसिकली असेंबलर के पास ले जा सकते हैं और सिंपली रिपेयर करवा सकते हैं। लेकिन लैपटॉप अगर एक बार आपका खराब होता है तो उसके पीछे आपको बहुत ट्रबल लेना पड़ता है दोस्तों। कैसे? सपोज आपने कोई डेल या HP का लैपटॉप खरीदा है, तो वो अगर खराब हो जाता है तो फिर आपको, आप सपोज उसका प्रोसेसर खराब हो गया है, तो आप सिंपली इंटेल के पास जाके क्लेम नहीं कर सकते हो, आपको जाना पड़ेगा डेल के ऑफिस में, उसके बाद वहां पे फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, उसके बाद वहां पे वो लोग कंपोनेंट्स को ठीक करेंगे, देखेंगे, वेरीफाई करेंगे, इसमें बहुत ज्यादा टाइम चला जाता है। लेकिन अगर बात करें डेस्कटॉप के मामले में, तो रिपेयरिंग में ज्यादा टाइम नहीं जाता, एक दिन में ही काम हो जाता है, वहां पे लैपटॉप लेता है या फिर लैपटॉप का जो ब्रांड है वो लेता है दोस्तों 10 से 15 दिन। और दोस्तों बाकी जो बहुत सारे डिफरेंसेस छोटे छोटे हैं वो आप खुद ही जानते हो, शायद उनमें से एक बता देता हूँ, जैसे कि वाईफाई वाला फीचर है, लैपटॉप पोर्टेबल है बेसिकली, और वहां पे आपको वाईफाई वाला जो फीचर मिलता है वो एक्सेस आपको मिल जाता है लैपटॉप में, आप बेसिकली कहीं पे भी ले जा सकते हो और मोबाइल की तरह वाईफाई कनेक्ट कर सकते हो लैपटॉप में और वहां से इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो। लेकिन डेस्कटॉप में हमें ज्यादातर डेस्कटॉप में बेसिकली वाईफाई एक्सेस नहीं मिलता, वाईफाई वाला फीचर हमें देखने को नहीं मिलता, तो ये एक डिसअपॉइंटमेंट है डेस्कटॉप के मामले में, जो कि लैपटॉप से डेस्कटॉप यहाँ पे पीछे रह जाता है। तो दोस्तों अगर मैं ब्लाइंड ओपिनियन दूं आपको, तो बेसिकली आप अगर ट्रैवलिंग करना पसंद करते हो, ज्यादा हैवी गेमिंग नहीं करते हो, और या फिर ट्रैवल के वक्त आपको काम करना पड़ता है, तो फिर आप लैपटॉप लो,
लैपटॉप इसीलिए आपके लिए ही बनाए, तो फिर आप जरूर ले सकते हो। और अगर डेस्कटॉप की बात करो, तो फिर अगर आपको एक हार्डी हार्डवेयर चाहिए, मतलब बहुत हार्ड चाहिए, ड्यूरेशन बहुत दिन तक होनी चाहिए, 10-15 साल चलना चाहिए आसान से, को मतलब नहीं है ट्रैवलिंग के वक्त काम करने से, या फिर उतना जरूरी नहीं है, तो फिर उस मामले में आप जरूर से एक कंप्यूटर या फिर डेस्कटॉप ले लो, जरूर ले लो, मेरा रिकमेंडेशन है। और बेसिकली अगर आप हेवी गेमिंग के लिए खरीद रहे हो कोई लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप, और अगर आपके पास 30-45,000 का बजट है, तो फिर आप सिंपली डेस्कटॉप ले लो, क्योंकि हेवी गेमिंग में बेसिकली डेस्कटॉप में आपको बढ़िया परफॉर्मेंस मिलेगा लैपटॉप के मुकाबले में। और लैपटॉप में अगर आप उस प्राइस रेंज में कुछ ज्यादा हेवी गेमिंग करते हो, तो मत बताओ, मेरा एक्सपीरियंस खुद ही बता देता है आपको। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको मेरे पॉइंट्स जो है, ये जो डिफरेंस मैंने बताया आपको, वो समझ में आया होगा, आपको पसंद आया होगा ये वीडियो। अगर पसंद आया है तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब सब आपके हाथ में है। और बस आज के लिए मैं वीडियो खत्म, मिलता हूँ मैं किसी एक और वीडियो में आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।